सो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? देख रहे हैं रॉयल एसपी गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट, जो कि है मोडेड माइनक्राफ्ट। तो अगली बार मैं आया था नेदर में से और हमने फोर्ट्रेस को भी एक्सप्लोर कर लिया था और काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए थे, तो आज उसी चीज़ पे काम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सो गाइस, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो आज बेसिकली क्या करना है, तो हमें पहले तो बनाना है एक स्पॉनर। यस, तो आपको पता ही है इसके अंदर स्पॉनर भी बनता है, तो ये हमारा आ गया मॉन्स्टर स्पॉनर। तो अभी इसे लगाना है, तो लगाने के लिए भी एक प्लेस ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। तो पहले तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ मैं पूरी साइड पे फेंस कवर करने वाला हूँ, और अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आए हो तो माफ़ कर देना। ओके, तो वो प्लेस है इधर, तो आप सामने देख ही सकते हो, पर उससे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ। तो मैंने एक विलेजर को इसे स्पॉन किया है। हाँ ठीक है, चलो ओके। तो ये अटैच हो चुका है और ये मैंने इसे जोम्बे विलेजर बनाया था, और आपको पता ही होगा इसके अंदर एग बनते हैं, तो मैंने सीधा ही जोम्बे विलेजर का एग बनाया और उसे मैंने ठीक किया, तो वो मुझे सस्ते ट्रेड दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक रूम बनाया है, वैसे ये एक छोटा सा हॉल है और यहाँ पूरी सिस्टम है। तो यहाँ मैंने अभी के लिए एक डोर लगाया है और जो भी मोब्स आएंगे वो यहाँ आएंगे और मुझे मारना है। तो मॉन्स्टर स्पॉनर को हमें लगाना होगा यहाँ से, तो मैंने यहाँ एक छोटा सा रास्ता बनाया है और यहाँ मैंने गेट इसलिए बनाया ताकि कोई आ ना सके। तो ये है वो रूम, तो यहाँ से चार ब्लॉक है और यहाँ से भी चार, यहाँ से भी चार, तो यहाँ दो, फिर बीच में एक मॉन्स्टर स्पॉनर के लिए और ऊपर भी दो। तो ऐसे ही मैंने प्लेस बनाया है, तो आए हैं तो लगा ही देते हैं स्पॉनर को। ओके, और अभी मुझे कोई भी चीज़ को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जब से वो लगाया है, तो अभी देखना मैं जैसे ही इस डर्ट को तोड़ूंगा तो वो अपने आप ही मेरे पास आ जाएगी। देखा, तो ये एक सही चीज़ है। और हाँ, एक और चीज़, मैंने अपने यहाँ पे मैंने रेल कार्ट लगा दिए, यानी माइन कार्ट और रेल। तो यहाँ मैं सामान डालता हूँ और यहाँ मैं कोल डालता हूँ और यहाँ मैंने डायमंड रखे थे, तो मैं डायमंड ले लेता हूँ। तो मैंने डायमंड की डस्ट बनाई थी और उसी डस्ट को मैंने यूज़ करके बना दिया, एक डायमंड मिल गया। और यहाँ भी मैंने एक रूम बनाया है जो कि पोशन के लिए बनाया है, और यहाँ ब्रिविंग स्टैंड है, तो मैंने सोचा कि यही बना लेते हैं, ठीक रहेगा, तो बना लिया। तो मुझे साइन बोर्ड बनाना था, या तो मैं साइन बोर्ड बना सकता हूँ और या तो मैं बटन पर, फिर भी साइन बोर्ड सही होगा, तो मैं साइन बोर्ड बना लेता हूँ इस बोर्ड का। वैसे भी मेरे पास ये बोर्ड है ही, तो ये आ गया साइन बोर्ड। और इस साइन बोर्ड को मैं लगाऊंगा यहाँ पे। अभी यहाँ क्यों लगाया है वो आप अभी देख लेना। तो मैं यहाँ पानी की बकेट डालूंगा दो, तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो अभी ये वाले ब्लॉक्स मुझे ब्रेक कर लेना है। अरे हो जाए यार। ओके, तो ये हो चुका है। तो अभी मुझे ये वाले सारे ब्लॉक्स भी ब्रेक कर लेने हैं ताकि जो पानी है उसका बहाव इस तरफ हो जाए और ये जाएगा सीधा अंदर। और अभी तो मुझे एक चीज़ करनी होगी ताकि मैं यहाँ सही से खड़ा रह सकूँ। यहाँ ब्लॉक लगा देता हूँ अभी के लिए। ओके ठीक है, तो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार और ये वाला भी। ओके हो गया। तो अभी क्या होगा, कोई भी मॉब इधर स्पॉन होगा तो ये वो वहाँ यहाँ चलते चलते हो जाएगा नीचे। तो ये तो हो चुका है, तो अभी हमें यहाँ एक स्पॉन एग डालना है जिससे मॉब स्पॉन हो सके। तो मैं यहाँ वेदर स्केलेटन का स्पॉन एग डालने वाला हूँ, और अगर आपको नहीं पता तो वेदर को आई थिंक पानी से डैमेज नहीं होता, तो वो तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक एग और एक बोन चाहिए। तो बोन तो मेरे पास है, अरे इतने सारे नहीं, सिर्फ एक ही चाहिए।
और अभी मुझे चाहिए कोल ब्लॉक, ये बना कोल, और ये बना विदर स्केलेटन एग। और अभी मुझे यहाँ पे स्पॉन नहीं करना, और मैं अभी विदर स्केलेटन का एग इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे विदर हेड भी मिल सके, और विदर हेड से काफ़ी सारी चीज़ें भी बनती है इसके अंदर, तो इसीलिए ही मैं विदर का यूज़ कर रहा हूँ। और टॉर्च को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लगा दो विदर और ये स्पॉन होना स्टार्ट होंगे, तो वो विदर आएगा इधर। तो यहाँ हमें लूट मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा और विदर भी स्पॉन होंगे। ओके, तो दूसरी बार में ही हमें वेदर हेड मिल चुका है। तो अभी मैं एक डायमंड आर्मर बनाने वाला हूँ, तो मेरे पास 61 डायमंड है, तो आपको पता ही है मैंने कैसे आए होंगे मेरे पास डायमंड। तो एक डायमंड आर्मर बना लेते हैं, और सोच रहा हूँ इसके पर कुछ इंचेंटमेंट भी ले ही लेता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है नेदरराइट में जाने का हमें। तो उससे पहले एक छोटा सा और एक फार्म बना लेते हैं, जो कि चिकन के लिए मैं सोच रहा हूँ बनाने लेते हैं, क्योंकि हमें एग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उसी हिसाब से मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा चिकन एग फार्म बना लेते हैं, ताकि हमें एग भी मिल जाए और हमारा काम भी हो जाए। ये यहाँ से निकलेंगे नहीं, और इसे इन लोगों को मैं यहीं से ही ब्रेड कर लूँगा। चलो ठीक ही है, अभी जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ। तो मुझे एक रिंग बनानी है, तो रिंग के लिए डायमंड चाहिए होंगे और गोल्ड। ओके, ये रही। तो मैं अभी के लिए तो सिर्फ एक ही रिंग बनाता हूँ। तो एम्प्टी रिंग बन चुकी है, तो इसके अंदर मुझे सिर्फ पोशन को ऐड करना है जो जिसकी रिंग बनानी है। तो मैं एक स्ट्रेंथ की बना सकता हूँ, बनाना चाहता हूँ, और एक बनाऊँगा मैं रेजिस्टेंट की, और स्पीड की तो अभी नहीं ज़रूरत, तो मैं रेजिस्टेंट की बना के इसके अंदर डाल दूँगा। कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा काम कर लिया है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और काफ़ी जल्दी आपने 179 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए, यानी 180, तो बहुत जल्दी हम 200 सब्सक्राइबर की फैमिली हो जाएंगे, और अच्छी बात है ये। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वाला वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।